हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, बट एक अजीब सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कैसी प्रॉब्लम, आप बेझिझक बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर, सेक्स के समय मेरा पेनिस ठीक से इरेक्ट होता है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता है तो एकदम छोटा हो जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। मुझे उसे बार बार खींच बाहर करना पड़ता है। मैं अनकंफर्टेबल सा महसूस करता हूँ। जब मैं मॉल या ऑफिस के टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टर्टलिंग ऑफ पेनिस, मतलब जैसे एक कछुआ अपनी गर्दन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम की वजह से पेनिस भी बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है जब वो ढीला होता है। पर ऐसा होने की क्या वजह है डॉक्टर? आपको इरेक्शन ठीक से होता है या फिर इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं डॉक्टर, मेरा सेक्स लाइफ बिल्कुल ठीक है और इरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पेनिस ढीला रहता है तो बॉडी के अंदर चला जाता है। इंसान का शरीर अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, और टर्टलिंग भी एक ऐसा ही तरीका है पेनिस को सुरक्षित रखने का, और संभोग के समय इसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे इसको सुनिश्चित करने का। और दूसरी बात ये है कि टर्टलिंग तब बहुत ज़्यादा होता है जब आपके पेनिस में ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा हो, जिसकी वजह है कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज ना करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, और ये ऐसी अवस्था है जब लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और वो आपके शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है वहाँ पर ऑक्सीजन पहले भेजते हैं और लिंग सबसे बाद में आता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो क्या बस यही वजह है मेरे इस कंडीशन की? जी नहीं, टर्टलिंग की और भी कई वजहें हो सकती हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप जेल्किंग एक्सरसाइज करते हैं? जेल्किंग? ये क्या होता है? लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसे ही जेल्किंग एक्सरसाइज कहते हैं। जी हाँ, मैं इंटरनेट पर देख खुद ही कोशिश करता हूँ। तो क्या ये आप काफी टाइम से कर रहे हैं? जी। ओके, तो मैं अब आपको टर्टलिंग की वजहों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि अगर आपने अपने लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए ओवर एक्सरसाइज की हो या फिर बहुत रफ एक्सरसाइज की हो तो ये भी बहुत गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आपने बिना वार्म अप किए ओवर एक्सरसाइज की या फिर रफ एक्सरसाइज की तो वो आपके लिंग को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको वार्म अप की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपके लिंग की एक्सरसाइज के लिए भी लिंग को वार्म अप की ज़रूरत होती है। जेल्किंग एक्सरसाइज करते समय अगर आप लिंग पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिंग को नुकसान पहुँच सकता है, और इसी से बचाने के लिए आपका शरीर टर्टलिंग मैकेनिज्म को अपनाकर आपके लिंग को सुरक्षा देता है। मोटापा भी एक टर्टलिंग प्रॉब्लम की वजह हो सकता है, लेकिन अगर पुरुष का स्टमक फैट कम हो जाता है तो पेनिस अपने नॉर्मल साइज में खुद आ जाता है। और एक और वजह भी हो सकती है कोल्ड वेदर, लेकिन अपने देश का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आपके केस में इसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो फिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहली बात, आपको हफ्ते में 3 बार रनिंग और जॉगिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके लंग्स ठीक रहेंगे, और अगर आपके लंग्स ठीक रहेंगे तो वो आपके पेनिस तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे जिससे आपको टर्टलिंग प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप किसी तरीके के मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके केमिकल की वजह से भी टर्टलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाइयों के बारे में जानें। आप अगर जेल्किंग करते हैं तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी टर्टलिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप कुछ समय के लिए जेल्किंग करना बंद कर दें जिससे आपके लिंग को थोड़ा वक्त मिलेगा रिकवर होने में। अगर आप बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो वो बंद कर दें, क्योंकि ज़्यादा मेस्टरबेशन से आपके लिंग पर नुकसान पहुँच सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स ना पहने, टाइट अंडरवेयर ना पहने, ढीले ट्राउज़र पहने, हो सके तो बॉक्सर पहने। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो वो बंद कर दें, उसके बदले में आप ग्रीन टी पिए। ये सब बातें अगर आप करते हैं तो फिर देखिए
कि बहुत जल्द आपको टर्टलिंग की प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं समझ गया डॉक्टर, आपकी बातों से मुझे बहुत सारी नई जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। वेलकम। डॉक्टर, मुझे ये चीज़ पूछनी है कि ये सेक्स करने का टाइम कोई फिक्स है क्या, या फिर सेक्स कितनी देर तक करना चाहिए, या इजैकुलेशन कितनी देर में होना चाहिए? तो इसका मतलब सेक्स ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ। देखिए, सबके सेक्स ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप किस देश में रहते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।